हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नियर सेट कनॉट यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ क्लाइमेटोलॉजी से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर पार्ट नंबर वन है, यहाँ पर टोटल जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों और भी 3 पार्ट्स आएगा, जिसमें हम लोग जो है टोटल 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप लोग जरूर से पूरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है? स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जरूर से हम लोग का वेबसाइट जो है विजिट कीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका दोस्तों क्विज और PDF वगैरह सब कुछ जो है, सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, क्विज खेलना है, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर कंटेंट्स इन द एटमोसफेयर। तो देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है कि एटमोसफेयर में कितना प्रतिशत जो है वाटर वेपर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, 0 to 2%, 0 to 4%, 0 to 5% एंड 0 to 5% 10%। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 to 5%। दोस्तों, एटमॉस्फेयर में वेरीज करता है वाटर वेपर। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर मिलता है आपको 4% आपको इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा, और 1% मिलेगा पोलर रीजन में, ठीक है? अगर आप इक्वेटर से पोलवर जाएंगे, ठीक है, तो आप इस वाटर वेपर जो है दोस्तों, एक डिक्रीज होगा इक्वेटर टू पोलवर। और इंसुलेशन, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर वेपर, और ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, और ये दोस्तों कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोसफेयर वाल वेदर फिनोमेना ऑकर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वेदर का जितने भी फिनोमेना है, ठीक है, सब चीज़, बारिश है, विंड है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ जो है, जितने भी चीज़ें जो है एटमोसफेयर में, कौन सी लेयर में वाकर होता है या मिलता है, देखने को मिलता है। तो अगर अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है, आपको ये सब लेयर मिला है पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर आपने पढ़े हैं तो आप ये आंसर लगा सकते हैं। देखिए कौन सा लेयर होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं, सब, ठीक है, वाल वेदर फिनोमेना ऑकर होता है, ठीक है। देखिए ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे लोएस्ट लेयर होता है, और एक्सोस्फेयर सबसे हाईएस्ट, ठीक है, ऊंचा, सबसे हाईएस्ट में रहता है। तो ये सब आपको पता है, ठीक है, अगर आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिएगा। और ट्रोपोस्फेयर में एक खास चीज़ और है दोस्तों, कि जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और कितना डिक्रीज होगा देख लीजिए, 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट और ऑल्टीट्यूड, कह सकते हैं आप, एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, यहाँ पर लिखा है। इसको दोस्तों नॉर्मल लैप्स रेट कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, इसके बारे में ही आएगा, तो आप इजीली आंसर लगा सकते हैं। और ये वाला पॉइंट देखिए, इट इज मेट्रोलॉजिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट जोन बिकॉज वाल वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन स्टॉर्म ऑकर हेयर, सब चीज़ जो है यहाँ पर ही हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी है, ट्रोपोपोज क्या है, ट्रोपोपोज कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो है ट्रोपोपोज देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर एंड द मेसोस्फेयर के बीच, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंटल लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट। अभी आपको देखने को, पढ़ने के लिए बोला आपको दोस्तों, कि ये क्वेश्चन जो है आएगा,
देखिए पूछ लिया है यहाँ पर कि नॉर्मल लैप्स रेट इन द एटमोसफेयर कितना है, ठीक है, लैप्स रेट कितना है जो ट्रोपोस्फेयर में हम लोग को देखने को मिलता है। तो अभी आप लोगों ने देखा इसका आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर रिफ्लेक्ट द मीडियम एंड द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा लेयर जो है हाई एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जो है दोस्तों अर्थ में फिर से जो है दोस्तों रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड दी एक्सोस्फेयर। दोस्तों रेडियो वेव अगर आपने ये जो टर्म है ठीक है अगर आपने देख लिए हैं तो आग बंद करके इसका आंसर हो जाएगा आइनोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर में ही ये काम होता है, ठीक है, देख लीजिए। और आइनोस्फेयर देखिए दोस्तों थर्मोस्फेयर में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का सबसे हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा लेयर है, ठीक है, यही पूछा गया है बेसिकली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्सोस्फेयर, ठीक है, एक्सोस्फेयर जो है हाईएस्ट सबसे ऊपर देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर अराउंड 600 किमी। सबसे नीचे आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, फिर आपको देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलता है दोस्तों ओजोन लेयर, ठीक है, देन आपको मिलता है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दो लिस्ट मिला है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, हम लोग फटाफट मैच कर लेते हैं। देखिए ई लेयर, F1 एंड F2 लेयर, दोस्तों ये दोनों लेयर दोस्तों आइनोस्फेयर में मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होगा। ई लेयर दोस्तों इसको किनले हैवी साइड लेयर भी बोला जाता है, ठीक है, F1 एंड F2 लेयर इसको एप्लेटोन लेयर भी बोला जाता है, ओजोन लेयर ये दोस्तों हम लोग को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, अरोरा बोरेलिस ये जो देखिए अरोरा बोरेलिस दोस्तों नॉर्दर्न लाइट है, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये हो जाएगा आपका साउदर्न लाइट, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, 5, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वोजोन गैस इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन, वोजोन गैस मैं आपको आपको बताया था पहले कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है, तो कितने किमी के अंदर ज़्यादा कंसेंट्रेशन रहता है वोजोन लेयर का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी 15 to 35 किमी। यहाँ पर डायग्राम में देखिए यहाँ पर लिखा है आप पढ़ लीजिए, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका व्हाइट कलर में जो है ये आपको ओजोन लेयर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज आता है सन से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम लोग को ठीक है प्रोटेक्ट करते हैं इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स दी अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। अभी आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ठीक है इसमें इसमें से हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता है ड्यू ड्यू टू दी ओजोन लेयर, यहाँ पर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कशन होगा ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, आप जरूर से पूरा हर एक क्वेश्चंस देखें, ठीक है, कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्या पता। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम टेकन बाई सन रेज टू अर्थ इज। देखिए अर्थ में सन रेज पहुंचने के लिए कितना टाइम ठीक है लगता है, ठीक है, सन को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर फिर से मिला है दो लिस्ट हम लोग को मैच करना होगा। पेरिहेलियन दोस्तों, पेरिहेलियन हो जाएगा थर्ड जनवरी, थर्ड जनवरी भी हो जाएगा पेरिहेलियन, एपिहेलियन हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई, और हीट बजट ऑफ द अर्थ वो हो जाएगा 51%, एंड द इंसुलेशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इंसुलेशन दोस्तों पायरोनोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 4, 3, 2 एंड 1। तो देखिए 4, 3, 2, 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पे है, देखिए 4, 3, 2 एंड 1। ओके
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जितना भी एनर्जी जो है हम लोग को अर्थ में आता है, सन रेज ठीक है अर्थ में आता है, वो उसमें से दोस्तों कुछ एनर्जी ऐसा भी होता है जो है रिफ्लेक्टेड बैक, वो अर्थ से चला जाता है ठीक है, बाय द रिफ्लेक्शन ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है ठीक है। तो इसको, इस फीचर्स को, इस इंसिडेंट्स को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है अल्बेडो। अल्बेडो पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, द रेशियो बिटवीन टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपन ए सरफेस एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड ठीक है, इस इसी का जो है रेशियो है ठीक है। अल्बेडो को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थ का एवरेज अल्बेडो। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा, 35% है ठीक है अल्बेडो, एवरेज अल्बेडो। और सबसे कम अल्बेडो देखिए डार्क सोयल का, और हाईएस्ट अल्बेडो स्नोफॉल में। तो स्नो में जितना भी सनरेज इसमें आता है ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो जाता है ठीक है। तो इसलिए देखिए स्नो, फ्रेश स्नो में 80 to 90% जो है अल्बेडो है, डिजर्ट में 35 to 45, ग्रासेस में 26, क्रॉप्स 15 एंड ब्रिक कॉन्क्रीट 10 to 20% अल्बेडो होता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मॉलिकुलर ऑफ मैटर इन एनी बॉडी इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी बॉडी में, वो लोहे का हो, स्टील का हो, किसी भी की बॉडी में ठीक है, जब जो है हीट ट्रांसफर होता है थ्रू द मॉलिकुलर ऑफ मैटर, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों? इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्डक्शन। कॉन्डक्शन क्या है? देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट है बाई कॉन्टैक्ट, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए वार्मर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट व्हेन दे कम कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ट्रांसफर कंटिन्यूज रहता है अनटिल द बॉडी इज मेंटेन द सेम टेम्परेचर। कंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर में कैसा जो है रोल प्ले करता है कंडक्शन, वो देख लीजिए। देखिए कंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर। तो कंडक्शन की प्रोसेस में ही दोस्तों लोअर ऑफ द लोअर एटमोसफेयर जो है हीट हो जाता है ठीक है, हीटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज कंसिडरेबल टू बी। देखिए हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, यही बेसिकली पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल अजीजिया, ऑप्शन नंबर सी अल अजीजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, हीट तो ट्रांसफर होता है थ्रू दी देखिए मास ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह के बारे में बोला गया है ठीक है। देखिए इस प्रोसेस को दोस्तों कॉन्वेक्शन बोला जाता है ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्वेक्शन पूरा अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई द मूवमेंट ऑफ ए मास और सब्सटेंसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जनरली वर्टिकल इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन ठीक है। ये जनरली वर्टिकल ही होता है, और भी अच्छे से पढ़ लीजिए आप ये पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड ड्यू टू सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड। देखिए हम लोग अभी पढ़ा फर्स्ट दो क्वेश्चंस में हमने देखा कि टेम्परेचर जो है ऑल्टीट्यूड जितना इंक्रीज होता है टेम्परेचर जो है दोस्तों डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है देखिए क्वेश्चन में, द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। यहाँ पर बोला गया है कि जब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी जो है इंक्रीज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। तो इसका भी कुछ फेवरेबल कंडीशन है, देखिए कब जो है इन्वर्जन होगा, तो लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लाउडलेस और क्लियर स्काई, ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस। तो ये सब जब रहेगा ठीक है फेवरेबल कंडीशन, तब आपको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मिलता है हम लोगों को ठीक है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में किस तरह के रहता है, नॉर्मल कंडीशन में वार्मर एयर जो है नीचे रहता है, देन ऊपर की तरफ कूलर एयर
और सबसे ऊपर रहता है कोल्ड एयर, और टेम्परेचर इन्वर्जन में कूलर वेयर एयर नीचे, बीच में आ जाता है वार्मर एयर, और सबसे ऊपर कोल्ड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रीड आउट द फॉलोइंग कंडीशंस। क्लाउडी स्काई, कोल्ड ड्राई एयर, स्ट्रांग विंड्स, लॉन्ग विंटर नाइट्स, विच ऑफ द अबव कंडीशंस प्रमोट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है और फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है दोस्तों। यही क्वेश्चन देखिए, या इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ पूछा गया है कि ऊपर का ये चार कंडीशन है, इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन जो है प्रमोट करता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड ड्राई ईयर और लॉन्ग विंटर नाइट्स। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस इज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वोस्तोक, ठीक है। -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है टेम्परेचर मेजर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कंट्री ऑफ मिड नाइट सन। मिड नाइट सन की कंट्री कौन सी कंट्री को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। क्यों दोस्तों, यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द सोलस्टिस, समर सोलस्टिस, देखिए नॉर्थ पोल जब देखिए समर सोलस्टिस टाइम जून 20 की 22 तारीख के बीच जो समर सोलस्टिस होता है, ठीक है, तब दोस्तों नॉर्थ पोल, देखिए ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इनक्लाइन हो जाता है यानी झुक जाता है टुवर्ड्स द सन। देखिए यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द समर सोलस्टिस नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस 12 आवर्स एट इक्वेटर एंड 24 आवर्स एट आर्कटिक सर्कल। देखिए जब यहाँ पर इंक्लाइन होता है तब 12 घंटे का दिन होता है इक्वेटर में, ठीक है, और 24 घंटे का दिन होता है आर्कटिक सर्कल पे, ठीक है। और ये दोस्तों नॉर्वे में हैमर फेस्ट एक रीजन है, उसमें देखते हो दोस्तों मई की 13 तारीख से जुलाई 29 तारीख तक जो है ये एक्सपीरियंसेस होता है, ठीक है, कि 24 घंटा जो है दिन होता है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्यों जो है हमर फेस्ट एंड नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों एनर्जी ऑफ मोशन है, ठीक है, इट इज द एनर्जी ऑफ मोशन। डायग्राम देखिए, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, ये देखिए काइनेटिक, ये साइकिल चला के जा रहा है एक बच्चा, ठीक है, यह देखिए स्लोप में है तो यानी ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लागू है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी दोस्तों ये देखिए ये पीक में आ गया है, यहाँ पर साइकिल जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ठीक है, तो ये देखिए इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है एनर्जी ऑफ एनर्जी इन दी रेस्ट, ठीक है, और एनर्जी ऑफ मोमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है, मोशन, और ये भी जो है एनर्जी ऑफ मोशन है। इस डायग्राम से आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज। सी लेवल पे देखिए स्टैंडर्ड एयर प्रेशर कितना है। स्टैंडर्ड एयर प्रेशर दोस्तों 1013, 113, ठीक है, आप ये याद रखिए, 0.25 मिलीबार जो है स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है, ठीक है, एट द सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द डे एंड नाइट इज कॉल्ड। देखिए डे और नाइट में, ठीक है, एक लाइन होता है, ठीक है, एक लाइन है जो डिवाइड करता है डे एंड द नाइट, उस चीज़ को, ठीक है, उस लाइन को क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको दोस्तों सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इमेजिनरी एक यहाँ पर साइकिल है, सर्किल है सॉरी, ठीक है, तो लेफ्ट राइट साइड में देखिए यहाँ पर अंधेरा है यानी नाइट है, ठीक है, और लेफ्ट साइड दोस्तों यहाँ पर डे है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन होगा इमेजिनरी लाइन यानी सर्किल, उसको बोला जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके।
द एवरेज रेट ऑफ अल्बेडो ऑन द अर्थ इज, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वहाँ पर अल्बेडो के बारे में, तो वहाँ पर ही हम लोग ने देखा कि एवरेज अल्बेडो कितना था, 35%। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इज कीप्ड केप्ड आउटसाइड द स्टीफन स्क्रीन, स्टीफन स्क्रीन से बाहर दिखे कौन सा वेदर इंस्ट्रूमेंट्स बाहर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। ओके, एनीमोमीटर। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं कि स्टीफन स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट इज कॉल्ड डोलड्रम, कौन सी बेल को दोस्तों डोलड्रम बोलता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में डोलड्रम मिलता है, देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो लाइन है, ठीक है, इसी को दोस्तों डोलड्रम बोलता है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर में है, ठीक है, यही देखिए ITCZ और यहाँ पर डोलड्रम मिलता है। और दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड भी देख लीजिए कहाँ पर है, ठीक है, आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए कौन सा सेल है कहाँ पर, हेडली सेल, पैरल सेल, पोलर सेल, या अच्छे से याद रखिए कहाँ पर कौन सा विंड है, ट्रेड विंड्स कहाँ पर है, वेस्टर्लीज कहाँ है, पोलर ईस्टर्लीज कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो डोलड्रम क्या है दोस्तों, इक्वेटर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो है विंड आता है। ठीक है, वो विंड जो होता है दोस्तों बहुत ही काल्मनेस होता है। ठीक है, और विंड जो लाइट होता है और फ्रीक्वेंटली काल्म ईयर होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है इस बेल्ट को डोलड्राम बोला जाता है। यह पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है द हॉर्स लैटिट्यूड रिफर्स टू, हॉर्स लैटिट्यूड कौन सी जो है लैटिट्यूडनल डिग्री ऑफ लैटिट्यूडनल को बोला गया है? दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो है 30 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड बोथ। ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर, यहाँ पर हेमिस्फीयर नहीं लिखा है, बोथ होगा। ठीक है, नॉर्दर्न एंड दी साउदर्न हेमिस्फीयर बोथ। ओके, इसी को दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए कहाँ पर है, एक मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 30 डिग्री जनरली इसको बोला जाता है 30 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड बोथ द हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड साउथ। दोस्तों इस जो है लैटिट्यूडनल जो है एक्सटेंड में हम लोग को मिलता है हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, हम लोग 25 क्वेश्चन इस पार्ट में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर से दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।